गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। भाई आवाज ठीक है। कल जाने से पहले अगले जो 3 सेशन है वो सभी के लिए कॉमन है, उसको अटेंड करिए। जरूर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। होपफुली कि ऑल आर नाउ आर ऑल इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ओके, देर इज नो कन्फ्यूजन ना? ठीक यस सर, नो कंफ्यूजन। है ना? ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, डफर भी नहीं बनना है, स्मार्ट बन के रहना है। स्मार्ट डैट मीन्स कम्युनिकेशन, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी। आने वाला जो समय है दैट इज द 5G जिसके हमारे में बात कर रहे हैं। 5G नथिंग, 5G में बेसिकली क्या है, घर के जितने भी डिवाइसेज हैं, ऑफिसेज हैं, सड़क पे, रोड पे, अंदर बाहर जो भी डिवाइसेज लगते हैं, सभी डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी इंटरनेट पे। ये आपस में इंटरनेट पे, दिस इज द स्मार्ट। बेसिकली नए IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ना। 5G में कुछ नहीं होना है, 5G में सिर्फ एक परिवर्तन होगा कि आपके हर एक चीज़ अब ऑनलाइन हो जुड़ जाएगी। हर एक जो घर का हर एक डिवाइस से लेके ऑफिस का जो भी चीज़ें हैं, सार्वजनिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सारी चीज़ें भी आपकी इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाएंगी और उसको एक सिक्योर मैनर में जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट, अब इसी चीज़ की, इस दौर तक हम लोग पहुँचे कैसे, इसी संदर्भ में मैंने शुरुआत की थी। और सबसे पहले इस चीज़ को शुरुआत जब से हुई है टेली कम्युनिकेशन का, जो आज के ज़माने में हम लोग IT कम्युनिकेशन कह सकते हो या नया सही बोल सकते हो, वो सफ़र हम लोगों ने कैसे तय किया, मेरा फोकस आज इन्हीं पे रहेगा। और थोड़ी वीडियो के माध्यम से, कुछ आपके PPT के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी संदर्भ में मैंने आप सभी को कल एक सवाल छोड़ गया था कि बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पे अगर आप खड़े हैं, दो लोग अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, ये सवाल हमने कल छोड़ा था। इस सवाल का अगर आप लोगों ने कुछ आंसर अगर ढूंढा हो तो बताने की कृपा करें। कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ खुशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सिग्नल आपका अच्छा नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी आवाज़। ऋषभ, आपकी आवाज़, सर, आवाज आ रही है हाँ आपकी, आपको? आपको प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज़। आपने कोई आंसर ढूंढा या क्या सर, सोचा? यस जैसे पहले वाले टाइम में तो लैंडलाइन डायल करते थे तो प्रॉपर पूरा एक सिस्टम होता था लैंडलाइन, फिर इंटरनेशनल कॉल्स का। पर आपका क्वेश्चन था कि बाघा बॉर्डर पर खड़े होकर अगर बात करनी मैं उसी हो। सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ, वो सिस्टम क्या है। अगर सर आप अगर आप मैं यहाँ से हाय हेलो बोल रहा हूँ, आप कोई मैसेज भेजते हो किसी को, तो कम से कम यस आपको तो पता होना चाहिए कि मेरे शब्द बीच में किन किन रास्तों से होके जा रहे हैं। चलिए, आप कमरे में ही, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं इसी टेबल पे बैठा हूँ, भूल जाओ लैंडलाइन मोबाइल, ठीक है? अभी इसी कमरे में दो फोन रखे हैं, लैंडलाइन ही मान लो, दोनों लैंडलाइन फोन है, दोनों BSNL के फोन है, मेरे ही ओके टेबल पे लगे हैं, या आप आपके आपके घर में ही 2 BSNL के फोन लगे हुए हैं। अगर आप एक फोन से दूसरे फोन को कॉल करते हो, व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? सर, पहले जिस मोबाइल से कॉल करेंगे वो कॉल पहले उस एरिया के सब स्टेशन पे जाएगा, फिर वहां से दूसरे सब स्टेशन पे जाएगा, फिर होते वाते वापस उधर ही आएगा। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन कॉल उन मोबाइल या लैंडलाइन के टेलीफोन के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो वही जो मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ, रास्ते के बारे में कोई जानकारी है? नहीं आप एक सर। आइडिया लगा रहे हो कि ऐसे ऐसे हाँ, मैं होगा, बस आइडिया लगा आइडिया रहा हूँ। लगा रहे हो ना, यहाँ से अमेरिका बात करनी है, ठीक वो है, भी वही सिस्टम होगा कि सब स्टेशन पे क्या जाके क्या हमारी मीडिया क्या पॉसिबल है, व्हाट इज द क्या मीडिया, क्या क्या मीडिया पॉसिबल है, मतलब मीडिया समझ रहे हैं मीडिया। ना? जैसे कि अगर दो लोग सामने खड़े होकर बात करते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ तो ठीक सामने वाले के पास आवाज़ कैसे जाती है? पाया, एक काम करते हैं, लिखते भी जाएं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? ये वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। एक मीडिया में देखिए, सबसे एक मीडिया का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीडिया जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, पहला हमारा एयर हो गया, ठीक है?
ये, और हवा में हम एक दूसरे से कितनी दूर बात कर सकते हैं, 30 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर। 30 मीटर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 30 से ज्यादा दूरी बढ़ेंगे तो अपने कान कभी तेज करने पड़ेंगे। आवाज आवाज नहीं आ पाएगी पूरी। अभी मेरी आवाज आ रही है? तो यस सर, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपस में एक दूसरे में खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और मैं कुछ बोलूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर की दूरी में एक दूसरे से हम लोग बात कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा ज्यादा 50 मीटर। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो मुझे अलग मीडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब से टेलीफोन शुरू हुआ सन 1880 के आसपास से स्टार्टिंग प्रॉपर हुई थी, तो 1885 इंडिया में, तो 1885 में भी शुरू हो गया था, ठीक है। वो जब आपने वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सुनी 1857, तो उस समय भी हमारे पास में टेलीफोन आ चुके थे, ठीक है ना। तो लेकिन जो कमर्शली जो शुरू किया गया, लोगों के घरों में लगाने की बात शुरू हुई सन 1885 में, स्टार्ट हुआ था सबसे पहले द फर्स्ट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में बनाया गया। आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, हमारे देश के अंदर भी सेम समय पर शुरुआत हुई, चाहे भले अंग्रेजों ने शुरू किया हो। तो उस समय से लेकर और आज तक जो टेलीफोन में जिस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं, वो कॉपर वायर होता है। वायर हो गया। कॉपर वायर, अभी आप आज के बाद आप अनजान होकर नहीं बात करेंगे, मैं जो लिए बता रहा हूँ, कॉपर वायर। कॉपर वायर में प्योर कॉपर वायर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो चाहे आज का जमाना हो। सबसे पहले जो कॉपर वायर इस्तेमाल था उसमें कुछ एल्यूमिनियम मिलाए गए थे, बाद में शीशा मिलाए गए। और आज अगर आप बात करें कॉपर वायर के, ज्यादातर जो टेलीफोन मिलेंगे घर पे, ये तो BSNL के मिलेंगे, एयरटेल के मिलेंगे और टाटा के मिलेंगे आपको ज्यादातर में, ठीक है। तो इसमें कॉपर वायर के साथ एक कैडियम मटेरियल होता है, उनको मिला के बनाया जाता है, हार्ड होता है। तो ये जो कॉपर वायर है, इससे जो दूरी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 किलोमीटर, ठीक है, और कुछ केस में 6 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब दो तरह के कॉपर वायर इस्तेमाल होते हैं, एक पतला वायर, रब भाषा में एक मोटा वायर। पतले वायर की दूरी 5 किलोमीटर, मोटे वायर की दूरी 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर। अगर मैं दो टेलीफोन आपस में अगर जोड़ दूं, डायरेक्ट भी जोड़ दूं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिए, अगर मैं सामने खड़े होकर बोलते हैं तो 30 मीटर 50 मीटर हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरे को डायरेक्ट भी अगर बोल दूं, एक आपको याद होगा कि शायद आपने कहीं देखा होगा, शायद बचपन में शायद कभी कोशिश की होगी कि दो डब्बे, खाली डब्बे लो और एक धागे से बांध दो, और एक में बोलो एक में कान लगाओ, तो आवाज भी धागे के माध्यम से दूसरे उसमें चला जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह कॉपर वायर भी अगर दो टेलीफोन अगर ले तो उनके बीच की जो दूरी होगी 5 किलोमीटर, ज्यादा ज्यादा 6 किलोमीटर, डिपेंड कॉपर वायर की जो मोटाई होती है उसके ऊपर होती है। इसके बाद जो हमारे पास और जो मीडिया है, जो अभी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, आपके पास में EM वेव या माइक्रोवेव। ये कहने का मतलब जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब टावर के सिग्नल के माध्यम से दूरी कर रहे हैं। तो ये दूरी भी ज्यादा नहीं होती, ये दूरी भी मुदिन से 3 किलोमीटर, आप टावर से 3 किलोमीटर के रेडियस में हो सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर शहर के अंदर है तो 1 किलोमीटर रेडियस के आसपास में कोई ना कोई टावर होना चाहिए। और अभी एक नया टावर इस्तेमाल किया, वो 5 किलोमीटर को रेडियस को भी कवर कर सकता है, दिस इज 5 किलोमीटर, राइट। यानी कि आपके आसपास में टावर हो तो इसी रेंज में, एक रेडियस में आप 5 किलोमीटर टावर से जुड़ेंगे तो भी आप दूसरे से बात कर सकते हैं, भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका वायर होता है, आपका एक और होता है कोएक्सियल वायर। एक और कोएक्सियल वायर कौन सा होता है, आप लोगों ने घरों में केबल टीवी भी नाम सुना होगा, हो सकता है अब तो डिश टीवी आ गया, अदरवाइज केबल टीवी भी बहुत यूज हुआ था और अभी भी हो रहा है। तो केबल, एक कोएक्सियल जो उसका जो वायर होता है कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है ना। तो ये दूरी भी 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी कवर नहीं करती है, ठीक है। और आपका पांचवा है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में तो आप सभी लोग नाम सुना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक सबसे ऑप्टिकल फाइबर, OFC, ऑप्टिका पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि घर तक हम लोग फाइबर पहुंचा रहे हैं, BSNL गीगा फाइबर के नाम से पहुंचा रहा है, और फाइबर टू द होम FTTH के नाम से, सेम आपका जियो फाइबर अपने उसके नाम से, तो फाइबर भी दूरी आ रही है। अब आपके सामने सारे मीडिया हैं, आप देखिए हवा में भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लैंडलाइन में अगर मिलाएंगे किसी को तो कॉपर वायर हो सकता है, वो भी बात कर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू वायरलेस जुड़े हुए हैं आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पहाड़ी एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने कोएक्सियल इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं सैटेलाइट के बारे में। और आप
अगर आपको यहाँ से अमेरिका बात करनी हो, ये मीडिया की बात होगी, कौन सा मीडिया इस्तेमाल करेंगे, कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाली दूरी, पहली चीज तो ये तय कन्फर्म होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में सबसे कमजोर मीडिया कौन है, डेफिनेटली एयर, जैसे वीकेस्ट, ठीक है ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, हमारी बहुत ये कई बार ईएस इंजीनियरिंग सिलेबस में और कई बार आईएएस के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, भाई एक उदाहरण ऐसा बताओ जो सबसे कमजोर हो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो, डेफिनेटली एयर। एयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि भाई बिना हवा का कुछ हो नहीं सकता, हवा चला जाए तो सारे लोग चले जाएंगे। ठीक है, और हवा में से आएगी इसके ज्यादा बहुत ज्यादा हम लोग वो नहीं कर पाते, विकेट लंबी दूरी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दिस इज द। ठीक है, अब इसमें सबसे मजबूत मीडिया कौन सा होगा, आपके हिसाब से सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन होगा जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखता होगा, एक रफ आइडिया आप लोग बताइए। आप कह रहे हैं सैटेलाइट ऋषभ, बाकी लोगों का क्या दिमाग कहता है, विदुषी एंड खुशी? हाँ विदुषी, सैटेलाइट, आपने भी सैटेलाइट बोला। खुशी आपको क्या लगता है? सैटेलाइट होता है। चलिए अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, मेरे ख्याल से आप सभी के पास, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सभी के पास में घर में डिश टीवी है, यस या नो? यस सर। आपके पास है विदुषी जी, आपके पास, आर यू नो? यस सर। ठीक है, डिश टीवी के बारे में जानते हैं ना, मैं नहीं कह रहा। तो ऋषभ मुझे बताओ, आंधी बारिश तूफान होता है, डिश टीवी का क्या हाल होता है? चला जाता है सर, वो चला जाता, कनेक्शन नहीं मिलते सैटेलाइट से, नहीं मिलते। बहुत बढ़िया, आपने आज बताया कि अगर आपके घर में डिश टीवी है, अगर अभी आंधी आ जाए, बारिश हो जाए तेजी के साथ, तो आप सैटेलाइट टेलीविजन नहीं देख सकते। तो इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर ही आप यहाँ पे गाजियाबाद में गर्मी है, आप वहां चले जाइए, आसाम में बारिश शुरू हो गई है, आप वहां चले साउथ में बारिश शुरू हो गई है, अभी थोड़े तूफान आएगा। तो जब इंडिया के अंदर ही एक जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी ना आपको कितना भी बारिश आए, लेकिन कभी आपका फेसबुक व्हाट्सएप या जो भी इंटरनेट है वो नहीं बंद होता, इसका मतलब वो सैटेलाइट पे तो नहीं डिपेंड है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छा, ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन अब तक जो सैटेलाइट जो प्रॉपर जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। बीएसएनएल ने सन 2016 में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च किया, जिसे अभी तक परमिशन नहीं दी गई है पब्लिक के लिए, इनमारसैट के नाम से। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, गेटवे है, हमारे एलटीटीसी गाजियाबाद में ही लगा हुआ है। ठीक है ना, ये अभी जितने भी डिफेंस वाले हैं या ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम बाकी मीडिया बिछा नहीं सकते, उसकी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते। इनमारसैट आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है, यानी बीएसएनएल के पास एक ऐसा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जो आंधी बारिश, लेकिन अभी ये जो सैटेलाइट है बहुत महंगा है, एक आम आदमी नहीं ले सकता। अगर एक आम आदमी चाहे कि मैं सैटेलाइट फोन इनमारसैट वाला ले लूं या दूसरा भी ले लूं, दूसरे में तो प्रॉब्लम है कि भाई आंधी बारिश तूफान आएगा नहीं काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर इनमारसैट लोगे, हमने पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है आज की डेट में, तो भी 1,00,000 रुपए से कम का खर्चा नहीं आएगा महीने का, भी ये बहुत ही महंगा है। लेकिन अभी हाल में आने वाला समय अब दूर नहीं है, आपका जो नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी ही, ये क्या 5G क्या 4G क्या 3G, ये तो यूं हवा में उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, वो तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं कर रही, लेकिन जिस दिन परमिशन मिल जाए आप इन सबको 5G 4G सब भूल जाए, कहेंगे पता नहीं कौन सा जी, भाई जी टाटा बाय बाय, पार्ले जी बना के खा जाओ सारे को, वो दिन अब दूर नहीं है। ठीक है ना, अभी तक जो सबसे बेस्ट मीडिया है वो है ऑप्टिकल फाइबर, ये हमेशा याद है, द बेस्ट मीडिया इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से आपको अमेरिका भी बात करनी है ना, सैटेलाइट काम नहीं आने वाला, ऑप्टिकल फाइबर होगा, उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिर्फ इस वाले जो मैंने स्क्रीन पे जो लिखा है, ये सारे मीडिया यूज हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है खत्म हो गया, सब यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को मैं समझाने के लिए कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट कैसे है, वो चीजें आपको अब समझ में आएगी। जो मेरा सवाल है बाघा बॉर्डर का, इन्हीं से आंसर आपको मिलेगा। मैं पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ने वाला हूं। चलिए ध्यान से सुनिए, इसके लिए 10 मिनट के अंदर आप अपने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, आप अभी भूल जाइए कि आपको कुछ आता है या जानते हैं, आप कहीं भी जाए, कोई भी आम आदमी जाए, एक सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए कहीं ना कहीं टेलीफोन एक्सचेंज होगा। तो अगर आज भी आप
बीएसएनएल का, यू आर लकी कि आज भी आप विजिट कर पाएंगे। मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों को कि आप अगर एक्सचेंज जा रहे हैं तो एक टेलीफोन एक्सचेंज आपको पहुंचेंगे, तो उस एक्सचेंज में क्या क्या होगा पहले ये देखो, फिर मैं एक एक चीज बताऊंगा। एक्सचेंज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे होता है कोई भी ऑफिस हो, कोई भी बिल्डिंग हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सी होती है, उसी तरह किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में या इंटरनेट देने वाले संस्था के पास जाएंगे तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है स्विच रूम होता है, दैट इज स्विच रूम। ठीक है ना, स्विच रूम क्या होगा, आप जाए ये तो आज के भी डेट में अगर आपको स्विच रूम में जाएंगे तो इस तरह का एक एसी रूम होगा, वहां पे कुछ रैक खड़े होंगे, चार पांच लोग बैठ के कंप्यूटर पे काम कर पा रहेंगे जैसे स्क्रीन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चीज होता है, अभी आप दिमाग में रखिए क्या क्या होता है, एक स्विच रूम होगा राइट। सेकेंड इज द आपका एक एमडीएफ रूम होगा, ठीक है। एमडीएफ रूम क्या होगा, इस तरह का देखने में होगा आपका, बहुत सारे वायर्स होंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं होंगी। एक रूम होगा पावर प्लांट, पावर रूम। अब चूंकि टेलीफोन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन की खासियत क्या है, टेलीफोन में 24 घंटे हमें आपस में जोड़ के रखना, एक पल के लिए भी कटना नहीं है। तो घर में क्या होता है, अगर आपके पास लाइट आ रही है, मेंस फेल हो जाता तो उस पोजीशन में आप लोग क्या करते हैं, अगर लाइट फेल हो तो क्या करते हैं आप लोग, इन्वर्टर लगा रखा है, यानी लाइट गई और बैटरी पे आपका पावर आ गया, जब तक लाइट नहीं आ रही आप अपना इन्वर्टर इस्तेमाल कर लिया। सेम व्यवस्था पूरी दुनिया में उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है जहां पे लाइट गई और पूरा का पूरा जो लोड है आपका बैटरी पे आ जाए, ठीक है। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में घर में क्या है, लाइट नहीं आई कोई बात नहीं आप इंतजार कर लेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में लाइट गई बैटरी पे लोड आया, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते कि मेंस कब आएगा, आप क्या करेंगे, तुरंत एक जनरेटर भी चलाएंगे। लाइट आई, बैटरी पे लोड आया और तुरंत आपने जनरेटर चलाया 5-10 मिनट के अंदर और सारा लोड जनरेटर पे चला गया, फिर मेन सप्लाई वापस आई, मेन सप्लाई पे आ गई। तो इस तरह से जो आपका जो पावर है 24 घंटे बिना रुके हुए चलता है। तो इसी तरह आपका एक पावर रूम होगा, इसमें एक व्यवस्था ऐसी होगी, ये जो रूम आप देख पा रहे हैं, मेरे माउस पर ध्यान रखेंगे तो ये जो रूम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों चीजें जोड़ी जाती हैं, लाइट जाती है तो बैटरी पे आ जाता है, फिर जनरेटर चला दिया जाता है और एक बैटरी रूम अलग से रूम होगा आपका ये, ठीक है, देखने में। और एक रूम और होगा ट्रांसमिशन रूम, जो भी ये स्विच रूम जैसा होगा, इस तरह की आपकी व्यवस्था होगी, ठीक है ना, दिस इज अ ट्रांसमिशन रूम, ये भी आपका, लेकिन ये छोटा होगा इन कंपेरिजन स्विच रूम। तो आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में अगर आप जाते हैं तो ये कम से कम इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक रूम आपका स्विच रूम, एक रूम आपका पावर प्लांट, एक एमडीएफ रूम और एक ट्रांसमिशन रूम होगा, ठीक है। अभी क्या चीजें हैं, कैसे हो रहा है, इन चीजों को मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लोकल कॉल से कि लोकल कॉल क्या होता है, ट्रंक कॉल क्या होता है, पहले मैं इन चीजों को समझने और जानने की कोशिश कराता हूँ, फिर मैं आगे आपके लिए बढ़ता हूँ। देखिए लोकल कॉल का मतलब, अब इसमें आप ये समझिए कि मैंने अगर आपसे पूछा कि अगर मेरे इस टेबल पे ही मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे दो लैंडलाइन फोन रखे हों, दोनों बीएसएनएल के हों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस फोन से मैं दूसरे फोन पे करूं तो क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? ऋषभ, मेरा सवाल ये है कि दो फोन आपस में रखे हैं, एक ही टेबल पे हैं, बीएसएनएल कंपनी से हैं, अगर एक फोन से दूसरे फोन को कॉल करूं क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? यस सर, लोकल कॉल ही हुआ। लोकल कॉल ही हुआ, ठीक है ना, ठीक है। और विदुषी, यस सर, लोकल कॉल है। चलिए अब आप ध्यान से हमारी बात सुनिए, लोकल कॉल का, क्योंकि यू ऑल आर इंजीनियर, यू ऑल आर प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना। प्रोफेशनल्स को हर चीज सोच समझ के बोला जाता है। देखो मैं, मेरे पेपर में निकलता है, अगर मैं एक भी शब्द भी गलत बोल देता हूँ ना, बवाल मच जाता है। तो अभी तक आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी बोलते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपको जिम्मेदारी दे दी गई, आपके एक एक शब्द इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर मोदी जी कुछ भी बोल देना इधर से उधर तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। इसलिए बोलते समय बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे है, लोकल कॉल किसको कहते हैं, अब इस चीज को देने के बाद आपका आंसर मिलेगा। पहले आप समझिए कि लैंडलाइन का ये व्यवस्था सन जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज तक जो आप मोबाइल पे भी कर रहे हैं, सेम व्यवस्था है जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका जो फोन है, ये एक आपने अगर घर में लैंडलाइन है, नहीं है तो भी आप स्क्रीन पे समझ पाएंगे, ये आपका वायर निकलता है, एक व्हाइट रंग का बॉक्स होता है घर में, अगर लैंडलाइन होगा तो आप कभी देख पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग LJU बोलते हैं, लाइन जैक यूनिट, या फिर जैकेट बोलते हैं, RJ45। तो ये हमारा यहाँ केबल यहाँ निकल के आपका यहाँ पे लग जाता है। फिर घर के बाहर आप अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खड़ा होगा, या तो दीवार पे लगा होगा या पोल पे लगा होगा। इनसे क्या होता है, इन घरों से, इनसे हम 5-6 घरों में हम लोग वायर, ज्यादा कितने 10 वायर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं,
ठीक है ना, तो 5 से 10 घरों का आपस में यहीं से वायर हमने जोड़ दिया, सभी को हमने फोन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इन सब वायरों को इकट्ठा करते हैं, अब तो अंडरग्राउंड हो गया, इसके बाद अंडरग्राउंड शुरू हो जाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, आगे फिर कहाँ जाता है, रास्ते में इस तरह का आपका एक लोहे का बॉक्स दिखेगा, ये क्या कहता है कि आस पास के जितने भी इस तरह के वायर इस डीपी के माध्यम से, डीपी बोल रहे हैं, डीपी में कुछ नहीं है, जितने घर उतने वायर इनका इकट्ठा होकर यहाँ पे हो जाता है, इकट्ठा होता है और यहाँ पे MDF में आ जाता है, सॉरी पिलर में आ जाता है। तो पिलर में आस पास के जितने हैं उनको इकट्ठा किया, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में आप इस तरह के भी बॉक्स देखे होंगे, नहीं तो आज के बाद ध्यान रखिए। इसमें भी क्या होता है, आस पास के जितने भी वायर हैं 4 से 5 किलोमीटर, ये जब कॉपर वायर है, ये सब क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है। तो कॉपर वायर जितने भी कस्टमर हैं उतने घरों का वायर इकट्ठा हुआ और एक्सचेंज के पास पहुंच गया। ये जहां भी आपको ये दिख जाए, जिसको हम बोलेंगे कैबिनेट, ये जहां भी दिख जाए आप समझ जाना कि इसके विदिन 50 मीटर के दायरे पे BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, BSNL आपने एक चीज रियलाइज किया होगा कि BSNL का हर 3 कदम चलो तो एक एक्सचेंज दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट में हमारे पास कॉपर वायर इस्तेमाल हुआ, और कॉपर वायर की दूरी मैंने आपको बताई 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, तो 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कॉपर वायर होते हैं, 5 किलोमीटर के 6 किलोमीटर जितने भी कॉपर वायर होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो ये 5 किलोमीटर दूरी पे यहां पे आएगा। तो इसीलिए 5 किलोमीटर हर एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, और एक्सचेंज के अंदर जो पहली एंट्री होगी, जो मैं अभी टेलीफोन एक्सचेंज का वो दिखा रहा था, दिस इज द MDF, MDF में कुछ नहीं होता, 5 से 6 किलोमीटर रेडियस में जितने भी लैंडलाइन थे, जितने भी कस्टमर थे, उतने वायरों का कलेक्शन इकट्ठा हो गया। बिजली की तरह नहीं है कि एक ही प्लग में पंखा भी लगा दिया, ट्यूबलाइट भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। टेलीफोन में जितने कस्टमर, जितने उपभोक्ता, उतने ही वायर, ये चीज पहले इंश्योर कर लीजिए। ये सारे वायर यहाँ पे आ गए, सब इसमें सभी कस्टमरों का वायर है आसपास के 5 किलोमीटर। अगर आसपास तो 5,000 लोग हैं तो 5,000 वायर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये जुड़ जाता है स्विच रूम से। अब मैं आपसे सबको कहना चाहूंगा कि अगर मान लो ये जो कस्टमर है, ये मान लीजिए ऋषभ है, ठीक है, और ऋषभ अपने ही घर के दूसरे टेलीफोन को नंबर मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा टेलीफोन है, तो डेफिनेटली ये वायर जो है उनके घर का गया होगा और इसी एक्सचेंज से आया हो, इसी वायर, इन्हीं वायरों में से इनका वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पुराने जमाने में, नए जमाने की दीवार मूवी एक आपने सुनी होगी, वो तो देख ली होगी, वरुण धवन वाली कौन सी जो भी नए मूवी आई थी, लेकिन पुराने जमाने की जो दीवार थी अमिताभ बच्चन वाली, अगर आप देखोगे तो उसमें एक अमिताभ बच्चन कॉल कर कहता है कि भाई मैं विजय बोल रहा हूँ और मेरे को बात करनी है, तो पहले यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठा करते थे, इन्हें हम लोग ऑपरेटर बोलते थे, बहुत सारे इंसान। तो पहले क्या होता था, ये पंदा यहाँ नंबर मिलाता था और कहता था कि मुझे उस इंसान से बात करनी है, और उस इंसान का वायर यही है, अगेन मैं समझिए, जो जिस इंसान से मिलाना उसका वायर इसी जगह है। तो यहाँ पे जो इंसान बैठे थे मैनुअली एक दूसरे को टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ देते थे, एक दूसरे को टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ देते थे, जिन्हें हम लोग ऑपरेटर कहते थे। दिस इज द स्विच, इसको हम बोलते हैं स्विच करना है। स्विच का मतलब समझ में आ गया, स्विच का मतलब है टेम्प्रोरी बेसिस पे दो लोगों को आपस में जोड़ देना, जितनी देर बात करेंगे जुड़ेंगे फिर ब्रेक कर देंगे। तो पहले इंसान यानी कि मैनुअली स्विचिंग होती थी, फिर समय बदला, जमाना बदला, तो ये स्विच का जो रूप है बदलना शुरू हुआ। पहले हमने जो स्विच किया, पहले हमने मैनुअली ऑपरेटर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्रॉस बार, स्टाउजर बार आए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच आए, और आज के जमाना में आईपी स्विच है, आईपी स्विच इंटरनेट वाला स्विच है, काम वही हो रहा है, इस बंदे को बात करनी है, वायर अभी भी वही लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो बदलते बदलते नए जमाने के टेक्नोलॉजी में आ गई। पहले आपको याद होगा गाड़ी कैसे स्टार्ट की जाती थी, एक डंडा लेते थे यूं हिलर करके लाते थे, बाद में वो क्या कहते थे पैर से मार के स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और आज क्या सेल्फ स्टार्टिंग की आ गई है। तो चीजें वही है, याद करने या स्टार्ट करने का तरीका वही था, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसीजर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल गई। तो ये जो स्विच है इंसानों से शुरू हुई, BSNL में 4.5 लाख एम्प्लाइज काम करते थे, जिसमें करीब 3 लाख ऑपरेटर होते जो इन जगह पे बैठाए रहते थे कॉल सेंटर की तरह, जब कोई मिलाता था मिला। तो लोकल कॉल का मतलब है अगर दूसरे बंदे का वायर भी इसी में है तो दैट इज द लोकल कॉल,
और सेम उसके अगर एक घर में भी फोन लगा दिया ना तो भी ये घूमते हुए इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जैसा कि ऋषभ का एक आइडिया लगा रहे थे, दिस इज द रियलिटी, इस तरह से होता है। तो भी इसी स्विच रूम में एमडीएफ में फिर वापस आ जाएगा, उसी शहर का हो तो दूसरे फिर पिलर कैबिनेट पिलर डेफिनेट डेस्क ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये व्यवस्था आज भी है और हमेशा रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप टुडे आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज आपके पास इंटरनेट की दुनिया है, लॉकडाउन में घर में फंसे हैं लेकिन आपके पास मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था है, दुनिया भर का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी इंटरनेट तो होता ही नहीं था, ठीक है, और मेरी पोस्टिंग हो गई बागपत जिले में, जो लोग इधर के जानते होंगे मेरठ के पास 60 किलोमीटर दूर एक बागपत जिला है, बागपत जिले में दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी उस टाइम पे, सन 2002 की बात कर रहा हूं मैं। कैसे, एक तो जिन्हें नई नौकरी लगती होती थी, कुंवारे होते थे, उन्हें पता नहीं है, उन नौकरी मिल गई बड़ा खुश है, जैसे आपकी भी लगेगी ना बहुत खुश हो गए, ठीक है, कहीं लगा दो यार, कहीं ड्यूटी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह के हम लोग थे। दूसरा मेरठ SSA के अंदर यानी मेरठ जिले के अंदर जिन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, जो किसी जिसको कहते हैं हर शहर में कोई ना कोई पनिशमेंट पोस्ट होता है, तो उसको जो भी गड़बड़ी करते थे उन्हें पनिशमेंट पोस्ट में वहां भेज दिया जाता था। तो भाई नए लोग तो हम लोग तो थे, तो हम 5 लोग ही वहां पोस्टिंग हुई, हम सारे लोग नए थे। तो अब वहां पे बागपत जिले की सन 2002 में, हो सकता है कि आज भी ऐसे ही हो, तो सन 2002 में वहां पे शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते थे, वैसी कंडीशन ऐसी जगह है वो वहां पे बहुत। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे आज की तरह नहीं कि हर फ्राइडे को मूवी बदल रही है आप इंजॉय कर पा रहे हो, वहां तो मूवी बदलती, एक मूवी लगी जब मैं गया था, एक मूवी लगी थी 16, 3 सिनेमा हॉल थे और 23 साल से लगा था, तो मुझे हैरानी हो रही थी, आज की नहीं रहते बहुत आसान है आप। तो हम लोग गए तो एक हफ्ते में सब कुछ घूम घाम लिया, सब कुछ खत्म हो गया, पता ही नहीं चला उस शहर में, ना तो कोई इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी, टेलीफोन भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते थे, ठीक है। मेरी जो पोस्टिंग थी स्विच रूम में कर दी गई मेरी पोस्टिंग, और चूंकि हम लोग कुंवारे थे तो हम लोग कोई अलग से मकान वकान नहीं लिया था, तो हम 5 लोग क्या करते थे ना, रात को स्विच रूम में आके सो जाते थे, क्यों, क्योंकि स्विच रूम में AC लगे होते थे। आज ये नहीं कि आज का जमाना बदल, हर आदमी अपने घर में भी AC लगवा लिया, लेकिन पहले AC लगाने के बड़े कड़े रूल होते थे, हर लोग AC नहीं लगाते थे, तो वहां पे पहले केवल स्विच रूम में AC लगा होता था, ठीक है ना। तो स्विच रूम में मैं अकेले, यहाँ पे इस रूम में किसी को घुसने की परमिशन नहीं थी, केवल ऑथोराइज पर्सन, ध्यान से सुनिए, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आज भी आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग रात को सो जाया करते थे। अब एक हफ्ते हो गया था, एक हफ्ते में सारी व्यवस्थाएं हमें समझ में आ गई थी। तो हमें एक दिन रियल भाई बोर हो रहे हैं, तो एक दिन मेरा दिमाग काम कर गया कि भैया ये जितने भी टेलीफोन से लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ये सारे घूम के तो इसी जगह से जा रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रात में ऑब्जर्वेशन किया कि कौन है जो पूरी रात बात करता है, कौन किस तरह की बात करता है, और हमने यहां से स्पीकर लगा दिया, सामने वाले को पता ही नहीं उसकी सारी स्पीकर की बात, और हमें भी पता चल गया था एक हफ्ते के अंदर कि कौन क्या बात करता है, जैसा मूड होता था स्पीकर लगा के एंजॉय करते थे हम लोग, जो कि इलीगल था, लेकिन चूंकि था हर चीज के पीछे कोई ना कोई लूप होता था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बीच में कोई सुनने वाला नहीं है, इंटरनेट में भेज रहे हैं तो कोई आपके मैसेज को देखने वाला नहीं है, तो गलत सोच रहे हैं। ये भी आप सोचिए, ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीज आपने बोला और जादू मंत्र की तरह से आपका हाय हेलो चला जाएगा, वो इन्हीं रास्तों से होके जा रहा है, कैसे जा रहा भी बताऊंगा अभी, पर आपने पहला सीढ़ी देखी है, ठीक है ना। तो हमारा 2.5 साल यहाँ कैसे निकल गया आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। तब तक हमने बहुत सारे काम भी किए, इंटरनेट भी इस दौरान हम लोगों ने लगाए, वो भी हम बात करेंगे कैसे कैसे हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये आपका स्पीच रूम है, अगर मैं MDF से सुनूंगा तो MDF से तो डेफिनेटली इन लोगों को पता चल जाता है, लेकिन स्विच रूम में कभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारी कोई बात सुन रहा है। जब पुलिस उसमें जब कोई क्राइम हो जाता था ना, तो पुलिस वाले आते थे और यहाँ पे कहते थे FIR से भाई परमिशन लेके भाई इन पे लगा दो, तो कॉल ट्रेस और इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे करते थे दैट टाइम, ये हमारा एक विधा था। तो लोकल कॉल का मतलब है सेम स्विच। तो अब ऋषभ जो आप कह रहे थे कि लोकल कॉल होगा या नहीं, वो भी मैं इसके क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। देखो ALTTC गाजियाबाद, जहाँ से मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ALTTC गाजियाबाद में यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, इसका एक्सचेंज का मैंने वीडियो बनाया, मैं आपको शेयर करूंगा। इस एक्सचेंज से किसी जमाने में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे इस पूरे बिल्डिंग, आज तो 100 से भी कम हो गए क्योंकि समय जरूरत नहीं इतने लोगों की।
लेकिन यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा था, ये जो एक्सचेंज लगा था, इसमें जो वायर थे वो केवल 500 था और इम्प्लाइज 1000 थे, और देना टेलीफोन सबको संभव था, देना था, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? 500 वायर है लेकिन 1000 लोग हैं, तो कैसे टेलीफोन दे? तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास केवल 500 वायर है। तो यहाँ से नियर बाई LTTC के नियर बाई एक लोकेशन है संजय नगर, और एक दूसरा लोकेशन है RDC राजनगर। संजय नगर में जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और राजनगर का करीब वो पड़ता है आपका 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। यानी कि LTTC सेंटर एक्सचेंज में 500 से ज्यादा जो कस्टमर थे, तो क्योंकि ये मेन टेलीफोन एक्सचेंज थे, तो इनमें तो जो इसमें जो वायर पड़े थे वो करीब बहुत ज्यादा थे, 10,000-15,000 वायर पड़े थे, तो कस्टमर इतने ज्यादा, तो इनसे हम लोग 500 लाइन यहाँ पे डलवा देते थे। तो हो सकता है कि मेरे टेबल पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे टेबल पे एक टेलीफोन LTTC सेंटर के टेलीफोन एक्सचेंज से लगा हो और दूसरा टेलीफोन निकर भाई राजनगर या संजय नगर एक्सचेंज से वायर आया उससे लगाओ, क्योंकि एक ही लोकेशन पे दोनों टेलीफोन रखे हैं, लेकिन दोनों का टेलीफोन एक्सचेंज बदल गया, तो वो आपस में लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे टेक्निकली। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कैसे किया गया, देखिए। चलिए अब मैं दूसरा स्लाइड दिखा रहा हूं, जिन्हें हम लोग ट्रंक बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD ट्रंक लाइन किसको बोलते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। आप ट्रंक लाइन का मतलब होता है अपने स्विच में ना होकर दूसरे स्विच में होना, ठीक है? तो वो भी आप देखिए, यही ऋषभ का फोन है लगा हुआ, यहां से आगे आपकी व्यवस्था में कोई टेंशन नहीं, यहां तक तो आप आइए। अब स्विच रूम में यहाँ जो मशीनें भी उसी तरह बात कर रही है, अब ऋषभ ने मिलाया फोन, लेकिन जिसको मिलाया उसी गाजियाबाद शहर में ही मिलाया, लेकिन गाजियाबाद शहर में उस टेलीफोन एक्सचेंज से नहीं है, गाजियाबाद शहर के किसी दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से है, लेकिन गाजियाबाद शहर में ही है, विद इन SSA का मतलब सेम जिला, ठीक है? तो उस केस में कैसे व्यवस्थाएं होनी है, उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पे, इस मशीन ने कहा ये मेरा नहीं है, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था, मेन टेलीफोन एक्सचेंज। आप अपने फादर से पूछेंगे, पेरेंट से पूछेंगे, जब मेरी भी नौकरी लगी थी तो मुझे जब पोस्टिंग के लिए जाना था मेरठ शहर के अंदर, मेरे पहली तो वहां पे मेन एक्सचेंज में जाना, तो मैंने रिक्शा वाले से भी पूछा कि भैया मुझे मेन टेलीफोन एक्सचेंज में जाना है, रिक्शा का बैठिए अभी पहुंचा देते हैं आपको मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। यानी मेरे कहने का मतलब है एक समय था आपके पेरेंट्स से लेके जो सड़क पे जितने लोग काम करने सबको पता होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पे है, जैसे गाजियाबाद का RDC में है, मेरठ का शास्त्री नगर में है, हर एक आदमी को उस शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज सबको पता होता था, तो हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था, ठीक है? और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ज्वाइंटिंग है, ये आपका ट्रांसमिशन रूम एक और मैंने दिखाया था, उसकी मदद से ये ऑप्टिकल फाइबर है, याद करिए, यहाँ तक तो कॉपर वायर हो गया, ये सब ध्यान से रखिए, और यहाँ से ये जो वायर है आपका, दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, और कब से ऑप्टिकल फाइबर, आज से नहीं, सन 1900 इंदिरा गांधी के बाद से यूज हो रहा है, 1984, वो नई चीज नहीं है, ठीक है? कि हम वही नई चीज आ गए ऑप्टिकल फाइबर, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, 1984 से 1986 से तो पब्लिक ने भी यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन बात वही है कि समय के साथ कोई चीजें तभी आती हैं जब लोग उसको अवेयर है या लोग सीरियस समझना शुरू करते हैं। जैसे अभी कोविड आया, अब पहले मैं कहता था भाई, 2 साल पहले मैं कहता था भाई ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन पढ़ा देंगे, कई बार सर ऑनलाइन में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो एक समाना था, और आज देखो सब लोग सीख गए ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती है, सबको अवेयर है, वीडियो टेक्स्ट वीडियो हर चीज हम देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये कोविड नहीं आता तो लोग अभी भी नहीं समझते कि ऐसा होता है, जबकि ये मैं सन 2009 से कर रहा हूँ, ये नया नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट किया। अब लाइव मीटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का सन 2007 में आया था, 2009 से लगातार मैं यूज कर रहा हूँ, और LTTC और BSNL के इवन दोस्त सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इसी से बात करते हैं, लेकिन वो पब्लिक को जब तक पब्लिक नहीं कहती ना कि मुझे दो, तब तक वो लोग नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या चीज़ है, हाई फाई चीज़ होगी ये, ठीक है? इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम लोग कहते थे पहले, तो सेम चीज़ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस आज से नहीं, बहुत अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों ने उनके लास्ट इलेक्शन में सन 2002 में लगाया था, बागपत जिले से लेकर सारा हॉट लाइन लगा के, मुझे याद है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी लोग लगता है नया आ गया, लोग ऐसे लगता है कि वो पहली बार देख रहे होते हैं, जबकि ये चीज बहुत पुरानी है, फाइबर भी बहुत पुराना है, 1984 से लेके अब तक देखिए कितना पुराना हो गया, ठीक है? अब इस शहर का मेन एक्सचेंज DTACS में पहुंच गया, दिस इज मेन DTACS, ठीक है? अब ये जो स्विच रूम है, ये भी एक स्विच रूम है, ये स्विच रूम का काम क्या था, कौन सा कस्टमर, और इस स्विच रूम का क्या काम है, कौन सा एक्सचेंज,
यहाँ भी पहले इंसान बैठा थे, यहाँ भी इंसान बैठा करते थे। अगर यहाँ नहीं होता तो भैया मेन शहर का आगे भेज देते थे, चल भैया हेडक्वार्टर बताएगा, हेडक्वार्टर अच्छा हमारे शहर का है भाई, कौन सा एक्सचेंज है उसको जोड़ देते थे। फिर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उस एक्सचेंज को जोड़ दिया और फिर यहाँ लोकल आगे का मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, बाकी व्यवस्थाएं उसी तरह से होंगी, MDF पिलर DP कैबिनेट सब मिला के। दिस इज द ट्रंक कॉल, अब इसमें स्पीच रूम आ गया, दिस इज ट्रंक कॉल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना अभी भी आप लकी हैं कि इन शब्दों को सुन रहे हैं, आपके बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी उन्हें तो पता ही नहीं होगा क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक शहर से दूसरे शहर के लिए बात करें, भाई मैं मेरठ में हूं, मैं गाजियाबाद में हूं, मुझे दूसरे शहर में बात करनी है, उस केस में क्या होगा, कैसे बात किया जाएगा, ये व्यवस्था। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बात, ये जो चीजें बता रहा हूं आपको रियल में, चाहे इंटरनेट करो चाहे टेलीफोन करो, कोई फर्क नहीं। देखिए इंटरनेट और टेलीफोन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने क्या किया है, ये जो हैंडसेट है वो बदल के आपने सिंपली कंप्यूटर लगा लिया, सिंपली स्मार्टफोन लगा लिया, बाकी ये जो लाइनें दिख रही है ना सारी की सारी वही है। मोबाइल में भी बात करूंगा आपको, मोबाइल भी कुछ अलग नहीं है, मोबाइल में हम बात करते हैं कैसे, समझाते हैं अभी आपको। नेक्स्ट आपका है एक शहर से दूसरे शहर में बात करनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में डेफिनेटली अंग्रेजों ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें आज भी मौजूद हैं, चाहे मोदी साहब आ गए हों चाहे कोई भी हो, अभी भी ये टेलीग्राफ एक्ट चलता है और इसमें NTP एक्ट हम लोग समय के साथ जरूर ऐड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रूल रेगुलेशन वही है। तो उन लोगों ने क्या किया था, उस समय पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान तक एरिया था, बहुत सारे एरिया थे, तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, इंडिया को चार भागों में बांटा, इंडिया डिवाइडेड इन द फोर पार्ट, पहला पार्ट NTR, दूसरा पार्ट WTR, STR और आज भी मौजूद है नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ठीक है, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन इंडिया का। नॉर्दर्न पार्ट में क्या आएगा, ये सारा हिस्सा आप देख पा रहे हैं नक्शे के हिसाब से, मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि नॉर्दर्न बाई डिफॉल्ट ये सब नॉर्दर्न पार्ट में आएगा सब, ठीक है। तो अगर आप एक ही उसमें है, हर NTR के अंदर दो हेडक्वार्टर बनाए गए, पहली बात इसके अंदर दो हेडक्वार्टर बनाए गए, ठीक है, दो हेडक्वार्टर बनाए गए, पहला आपका दिल्ली, मैं NTR के बारे में भी बात कर रहा हूँ हर में, दूसरा मैं हेडक्वार्टर बनाया आपका देहरादून, देहरादून, ठीक है, ये बनाया गया था। अब आपको पहले तो हम पहले तो पहली बात अगर गाजियाबाद से मेरठ बात करें या मेरठ से गाजियाबाद करें तो डेफिनेटली इसमें तो कोई शकी नहीं है कि ये दोनों इसी रीजन में आएगा, भाई तो लोकल में आ गए ना, रीजन में यानी एक ही रीजन में, अगर सेम रीजन में है तो एक शहर से दूसरे शहर के जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। याद करिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी वायरलेस नहीं है, अभी भ्रम में न रहे, कोई चीज वायरलेस नहीं है, सेटेलाइट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, अगर पूरी चीजें पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको कहीं सेटेलाइट तो मिलेगा नहीं, टावर भी नाम का है, मोबाइल का भी हम बात करेंगे, टावर केवल आप वायरलेस अपने मोबाइल फोन से टावर तक है, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं है। अगेन रिपीट, केवल आप अपने मोबाइल फोन से टावर तक ही वायरलेस हैं, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं है, आप हर चीज वायरलेस जो मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी टेलीफोन लाइन हो चाहे कोई भी इंटरनेट लाइन हो, ये जो व्यवस्था बता रहा हूँ, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी ऑप्टिकल फाइबर जमीन के अंदर बिछाया गया है और इसे हम नेशनल लाइन बोलते हैं, नेशनल लाइन मैनेज बाय द BSNL, चाहे उस पर रिलायंस आता हो चाहे कोई भी आ, सबको इसी लाइन पे जाना है, नेशनल लाइन, ये मत बोलिए BSNL तो वेरी बिग अचीवमेंट है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो लाइनें बिछाई गई वो BSNL की लाइनें हैं, इस पे सारी कंपनियों के लोड आते हैं, शहर के अंदर क्या कर रहे हो आपका अपना मैटर, 1000 टावर लगाओ, 1000 गाड़ी वो करो, केबल बिछाओ, आपका लोकल मैटर है, लेकिन जैसे एक शहर से दूसरे शहर की बात आ जाएगी आपका नेशनल लाइन होगा, दिस इज NTR, नोफन भी बोलते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बोलते हैं, इसका एक और नाम है नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, ये और मैनेज बाय द BSNL एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे सारी कंपनियों का वो चीज होती है, लोडिंग आती है एक शहर से। तो जैसे अगर मैं कोई नंबर मिलाऊं अपने शहर से दूसरे शहर में तो डेफिनेटली हर शहर के अंदर हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है, तो वही चीज यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पे आइए, हमारा फोन है, ठीक है, अब ये बंदे ने मिलाया, इस बंदे ने, ऋषभ ने मिला लिया, मान लो गाजियाबाद में रहते हैं और मेरठ में मिला दिया, तो ये बीच का सब भूल जाए, सीधा वो कहां जाएगा, लोकल स्विच में, लोकल स्विच जिससे वो जुड़ा हुआ था, स्विच ने कहा अरे भाई ये तो हमारा नहीं है, उसका इतना काम खत्म, वो क्या करेगा, चल भाई मेन एक्सचेंज जाओ, या ट्रांसमिशन रूम लगा और मेन एक्सचेंज चला गया, मेन डिटेक्ट,
अरे भाई ये तो हमारे शहर का नहीं लग रहा, लेकिन एनटीआर का है, मतलब सेम रीजन में है, तो फिर उस केस में क्या होगा? अच्छा फिर इसका मतलब मेरठ है, तुमने गाजियाबाद से मेरठ सीधा जुड़ेगा, क्योंकि सीधा डायरेक्ट एनटीआर वाले सब सीधा जुड़े हैं, ठीक है। तो एनटीआर ऑप्टिकल फाइबर दिस लाइन इन, पहले क्या होता था बड़े बड़े टावर भी लगाए, कोएक्सियल भी लगाए, लेकिन आज की डेट में आपको 100% ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेगा, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस शहर का डीटेक्स में चले गए, वो डिटेक्ट ने कहा ओके हमारे शहर का है, कौन था भाई स्विच लोकल कनेक्ट होते हुए, दैट इज लोक एंड दिस इज कनेक्ट, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में कनेक्टिविटी हो गई आपकी ये, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर की हो गई। अब आप गाजियाबाद में मुंबई मिला दें, आपका रीजन ही बदल गया, मुंबई पड़ेगा डब्ल्यू टी आर में, एक सोचने वाली बात है, डब्ल्यू वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन में पड़ेगा। चेन्नई मिला देंगे तो सदर्न टेलीकॉम रीजन में पड़ेगा, आप अगर कोलकाता मिला देंगे तो ईटीआर में पड़ेगा, वे ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन, ये तो लॉजिक सी बात है, आप इतने समझदार हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मुंबई मिलाऊं, भोपाल मिलाऊं, तो क्या मिले? तो डब्ल्यू टी आर में भी दो हेडक्वार्टर है, एक है भोपाल और दूसरा आपका दूसरा आपका जो है मुंबई, ठीक है। अब कोई भी ले, अब यहाँ पे अगर मैंने मिलाया तो ये जो आपका यहाँ पे, एक मिनट समझा देते हैं, ये जो डी टैक्स है, इसने कहा अच्छा ये तो हमारा जो मिला रहा है, ये जो रिसर्व जो फोन मिला रहे हैं मुंबई मिला रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो है नहीं, पहला पॉइंट यूँ खत्म हो गया, सीधे वाला भी नहीं है, तो हमारे हेडक्वार्टर में भेजेगा, हेडक्वार्टर क्या, दिल्ली या देहरादून, जो भी नियर बाई होगा, नियर बाई का मतलब दूरी से नहीं होता, ट्रैफिक से होता है। जैसे कि गाजियाबाद से दिल्ली जाना, तीन रास्ते हैं, वाया राजनगर, वाया NH24, वाया एक नया जो आपका ये खुला हुआ है राजनगर एक्सटेंशन, ठीक है। और आपको ये पता चल गया राजनगर एक्सटेंशन में ट्रैफिक है, जबकि सबसे छोटा रास्ता वो है, तो लेकिन आप वहां से नहीं जाओगे, आप फिर NH24 से जाओगे, जिस रास्ते पर ट्रैफिक नहीं होगा वो शॉर्टेस्ट रूट कहलाता है इन टेक्नोलॉजी की भाषा में, ठीक है। तो फिर आपका ऑटोमेटिकली वो ये भेजेगा हेडक्वार्टर पे, दिल्ली या देहरादून, दिल्ली, अच्छा ये है तो उधर वाले डब्ल्यू टी आर के हेडक्वार्टर भेज देगा, मुंबई या भोपाल जो भी लगता है, डब्ल्यू टी आर, अच्छा ये तो बॉम्बे का है, ले भाई बॉम्बे भेज दिया, लोकल डी आर ऑप्टिकल फाइबर बॉम्बे में, फिर लोकल स्विच में गया, लोकल स्विच जिस कस्टमर से जुड़ना है जुड़ जाएगा, ये आपका अरेंजमेंट होते हैं। अब एक चीज और आपको लगे हाथ दिखा देते हैं, जब मैंने टावर और मोबाइल की बात कर रहे थे, स्विच के बारे में ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और बात करेंगे। मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा था, यस ये देखिए, अब ये देखिए कैसे लैंडलाइन, ये हमारा जो है, ये हमारा आपका लैंडलाइन मोबाइल में कोई भी अंतर नहीं होता, और ये सब आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। अब देखिए अब हुआ क्या है, देखिए अभी अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि लैंडलाइन में क्या कर रहे थे, घर तक हम लोग केबल बिछा रहे थे, ऑप्टिकल कॉपर वायर, कस्टमर बढ़ने लगे उतना केबल हम नहीं डाल सकते, ठीक है ना। अपने फादर से पूछेंगे ना, तो पहले कहते हो बड़ा टेलीफोन वेटिंग लिस्ट बना रहता था, वेटिंग लिस्ट लिए बना रहता था, केबल ही नहीं होगा देंगे कहाँ से टेलीफोन, ठीक है। तो इस समस्या को हल करने के लिए वायरलेस व्यवस्था को व्यवस्था ढूंढी गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो MDF तक का जो वायर व्यवस्था था, इसको रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस किया? हमने टावर लगाए और यहाँ पे स्विच लगा दिया, BSC बोलते हैं। अब सारे इस वाले जो टावर से 1024 कस्टमर आम बुक, ये बुक की नॉलेज है, हरी हकीकत में 600-700 जुड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जुड़ेंगे और यहाँ इकट्ठा होंगे, फिर इसके स्विच रूम में जाएगा। वैसे दूसरे साइड में अगर मान लो मोबाइल से लैंडलाइन भी बात करेंगे, तो आपका यही जो डिटेक्स है ऑटोमेटिकली पहचान करेगा, डिटेक्स सब में इंपॉर्टेंट है, फिर ये पहुंचते हुए दूसरे लैंडलाइन में भी जोड़ सकता है। मोबाइल से मोबाइल में बात करेंगे तो फिर सेम आपका ये व्यवस्था आपकी हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? ऋषभ मैंने जितनी चीज समझाई, मुझे एक बार रिस्पांस मिल जाएगी क्या मेरी बात समझ में आई, यस या नो? यस सर। समझ में आ गए ना। तो अभी आप मोबाइल से टावर तक जो है केवल वायरलेस है, जो टावर ये सब ऑप्टिकल फाइबर है, सारे नेटवर्क आजकल ऑप्टिकल फाइबर है।
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है। अब मैंने आपसे पूछा था बाघा बॉर्डर वाली बात पे, राइट? बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हो, ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हो कि मेरा जो सवाल था व्हाट इज द पाथ। या आप मान लो ऋषभ आप ही हैं, आप एक पाकिस्तानी को फोन मिला रहे हैं, डेफिनेटली वो दोनों लोग साथ में खड़े हैं, वो मान लो इधर ही आके खड़ा हो गया बाघा बॉर्डर में, लेकिन ये बात तो तय है कि मान लो मोबाइल से मिलाओ चाहे लैंडलाइन में मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल पे तो डेफिनेटली इंडिया का सिग्नल आएगा, पाकिस्तान वाले पे पाकिस्तान का सिग्नल आएगा, ठीक है ना? तो अगर आप मान लो मिलाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप अगर मिलाओगे तो कहां जाएगा, नियरेस्ट जो बीएससी होगी, जो भी लोकल स्विच होगा, इंडियन होगा, इंडियन होगा। सुनते जा पहले सुन लो मेरी पूरी बात, फिर आपका जो नियरेस्ट अटारी होगा, अटारी ने कहा स्विच ने कहा ये तो हमारा नहीं लग रहा भाई, चलो भेजो शहर का मेन एक्सचेंज, तो पूरा उस एरिया का जो मेन एक्सचेंज है अमृतसर में है, अमृतसर में चला गया। अमृतसर ने कहा भैया ये तो हमारे एनटीआर का भी नहीं लग रहा, फिर क्या करेगा वो भेजेगा आपको दिल्ली हेडक्वार्टर, आपने भेज दिया दिल्ली, दिल्ली ने कहा अरे यार ये तो इंडिया से बाहर जा रहा है, अब इंडिया से बाहर ये नहीं है कॉल कहीं से भी निकलनी शुरू हो जाए, ये नहीं कोई किसी का फोन है, इंडिया से कॉल एक लोकेशन से बाहर जाती है बाय डिफॉल्ट, दैट इज द मुंबई, ये नहीं कहीं से भी शुरू हो जाएगा, वो मुंबई जाएगा, मुंबई इज द इंटरनेशनल गेटवे। इसके अलावा और चार पांच गेटवे बनाए गए, चेन्नई भी है, वो भी है, लेकिन पहला जो प्राथमिकता होती है मुंबई चला गया, मुंबई गया, मुंबई ने कहा अरे भाई ये तो पाकिस्तान का है, अब पाकिस्तान काल कैसे जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समुन्द्र में जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है कराची तक, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, तो वहां पे भी जो लोग बैठे हैं ना मुंबई पे, हम जैसे लोग ही बैठे हैं, कहते कौन टेंशन ले, कुछ करोगे तो कहेंगे तुमने ही गड़बड़ किया, तो वो लाइन को काट करके रखते हैं, जब खीर खानी हो बिरयानी खानी हो तो बात अलग है, चालू कर दो टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन हमेशा हम लोग बंद करके रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल नहीं होगा पाकिस्तान, बिल्कुल होगा, मुंबई से जब वहां नहीं होगा तो दूसरा रास्ता अपने आप जाता है, फिर क्या जाता है समुद्र में कॉल निकलेगी आपका, सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से आपका वहां पे आएगा क्या बोलते हैं जापान की तरफ, जापान से फिर अमेरिका एंट्री होगी, अमेरिका से एंट्री करते ब्रिटेन, जो मेरा मूवमेंट है इधर से सिंगापुर जापान, उसके बाद आपका ये इधर आपका अमेरिका में एंट्री होगी, अमेरिका के दूसरे साइड से निकलेगा ब्रिटेन जाएगा, अरब सागर होते हुए संयुक्त अरब इमारात में एंट्री मारेगा, एंट्री करते हुए अफगानिस्तान में घुसेगा, फिर पाकिस्तान में घुसेगा, पाकिस्तान की जो लोकल व्यवस्था होगी जो आपके सामने में था वहां भी इसी तरह की होगी, वहां के टावर पहुंचेगा, फिर दो लोग यहां खड़े थे हाय बोला, पूरी इंडिया घूम के पूरा वर्ल्ड घूम के आपके पास में आ गया हाय, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का आईएसडी कॉल, इन्हें बोल देते आईएसडी कॉल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, महंगा है जबकि अमेरिका की कॉलिंग सस्ता है, क्योंकि लंबी दूरी में बहुत सारे देशों का कम्युनिकेशन होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, ये मैंने वीडियो आपको शेयर भी करूंगा ग्रुप में, ये जो आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द केबल, ये वास्तव में सब इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैला हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए शुरू से, समुद्र में पड़े हुए ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपने कल फाइबर किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में,
ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा मैं एक एक्सचेंज वाली वीडियो और थी मैंने अपने एक्सचेंज की बनाई है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। वीडियो प्रॉपर आपके मोबाइल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आपके इंटरनेट स्पीड स्लो होगा तो प्रॉपर शायद आपके उस पर ना आए। एक वीडियो आप भी देखिए, अभी मैं शेयर कर दूंगा। पर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्पीच टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्पीच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इतनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीडीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीडीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हमें खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा वन बाई वन तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में इस साइड में आते हैं, ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए। सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीस इधर कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है, टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलाट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा से इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275564, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता, कहीं 3 डिजिट का होता, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3-2, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे। जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1-2-3-4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1-2-3, यानी इसमें आ गया वो जो वायरिंग है, इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1-2-3-4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में, पहला इस पे भी आप नंबर ही देखेंगे 1-2-3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हमारा आराम से पहचान। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे, इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्प्रोरी भी सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं,
क्योंकि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पर काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पर जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, हम यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना, अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल कराएगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारे वायर इकट्ठे होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है यहाँ पे, जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई ना, सिक्योरिटी। तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चुकी चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं आईपी स्विच, और पीछे से इधर आएंगे कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आप ये जो वायर है वहाँ से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का, तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 इस तरह, और नवली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा जो स्विच रूम है, ये जो ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डिटैच में भेजना था, तो डिटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग, ये कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, जैसे पीसीएम वायर नीचे भी पड़ा हुआ, तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है, अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे पल्स मॉड्यूल। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई जा रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी को हम फ्रंट से देखते, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये वाला दिखाते, ये हमारा 6 सितंबर 1999 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई क्राइम होता था तो पुकारता FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय का था। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर कॉपर वायर है आपके पास में, फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है जो फ्रंट में है, अब वहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन सर इसकी लाइट आ जी ले लीजिएगा, भी करा देंगे।
ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आ रहा है एक वायर आया है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाया। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये चीज इसका ये वही सिस्टम है, इसमें दो चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा, ये पूरा ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीज़ें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है यहाँ पे इकट्ठा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर एक वायर वहाँ से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक चीज़ फाइबर बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है। इसका दोनों का वीडियो मैंने शेयर कर दिया, उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। और इसमें कोई सवाल पूछना हो आप लोगों को, विदुषी हाँ इसका बताएं, पहले आप ही बताएं। मैं यही कह रहा था सर कि मतलब स्विच रूम वगैरह से सब बस सिंगल सिंगल वायर चल रही है हर जगह। हाँ स्विच रूम में अभी तक जो था ना वो सर्किट स्विचिंग चलती थी, तो उसमें जितने भी वायर थे वन बाई वन चलते थे, ठीक है। और अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ, इतना नहीं है। और अब क्या हो रहा है नए ज़माने में, अभी जो हमारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल से हम लोग इंटरनेट उतना अच्छा नहीं कर सकते, और जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर अभी भी बिछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मान लो आपने एक लैपटॉप ख़रीदा, ठीक है, और घर पे आए, और आपका अभी हॉस्टल में रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं, मतलब पढ़ाई जहाँ करते हैं हॉस्टल में है या किसके साथ रहते हैं? घर पर है। घर पे रहने, नहीं घर पे तो अभी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब कॉलेज में होंगे तो हॉस्टल से या घर से अप डाउन है? हॉस्टल से। हॉस्टल से है। हॉस्टल में रूम में कितने लोग हैं? दो जने। दो लोग हैं, चलो। तो आप दो दोस्त हैं गहरे जो रूममेट में हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा 50-55 हज़ार रुपये का, और वापस आए और अपने रूम में बैठे और अपने जो रूममेट हैं उनसे बोला कि देख भाई मैंने तो आज बढ़िया लैपटॉप खरीदा 50 हज़ार रुपये का, ठीक है। और आपके रूममेट भी कम नहीं, क्योंकि हर दोस्त तो मालूम ही है सारे ऐसे होते हैं, तो उसने कहा भाई तू खोल टीवी, खोल टीवी में, टीवी खोल के उसने दिखाया कि मोदी जी अपने प्रिय भाषा बोल रहे, मित्रों ये जो ऋषभ जी ने लैपटॉप खरीदा है आज से सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? यही होगा कि एक दिन रुक जाते, एक दिन और रुक जाते, फ्री मिल जाता। अब आप कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ कर नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो आप कुछ नहीं करने, लेकिन आपके लैपटॉप 50 हज़ार का ही रह गया ना। तो मेरे कहने का सिर्फ एग्जांपल देने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि जैसे जमीनों में अरबों रुपए का कॉपर वायर, टावर और बहुत सारे चीजें पड़ी हुई है, एकदम से टेक्नोलॉजी आने से बदली नहीं जाती है ना ही पे। जैसे रिलायंस ने 4G लाया, 3 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी उधारी ले चुका है, उसका 5G इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अब वो मार्केटिंग करना चाह भी रहा है ना तो होगा नहीं, तो उसे पता है क्योंकि पब्लिक इतना ऐसी नहीं होती, पब्लिक तो बहुत तेज होती है, जैसे आएगा मार्केट में समझ में आ जाएगा 5G किसका नया है। तो उसी तरह BSNL के अरबों खरबों रुपए के जमीन में केबल बिछे पड़े हैं, वो इतनी आसानी से नहीं उखाड़े, इसलिए BSNL अभी भी कॉपर वायर पे इंटरनेट देने की कोशिश करता है कि उखाड़। लेकिन अब जो नए लोग हैं, BSNL भी अब नया शुरू कर दिया है, तो सारा जो ऑप्टिकल फाइबर ही घर में पहुंचा, क्योंकि कॉपर वायर पे इंटरनेट की जो अधिकतम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, केवल 24 Mbps है। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक मैक्सिमम स्पीड केवल 24 Mbps है, और आप सब लोग जो लोग भी अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं अभी केवल 8 Mbps से ज़्यादा कोई भी नहीं यूज करते, चाहे कैसे भी यूज कर लो, चाहे जियो पे यूज कर रहे हो चाहे कहीं भी करो, आप सभी के इंटरनेट 8 Mbps से ज़्यादा होगा ही नहीं, भले कुछ भी दिखाता हो, सच्चाई यही है, ठीक है। तो अब आने वाले ज़माने में 24 Mbps से तो बात नहीं बनने वाली, आपको स्पीड और बढ़ाना है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा माध्यम है जिसमें अनलिमिटेड स्पीड दिया जा सकता है, और लंबी दूरी कम्युनिकेशन के मामले में आपने तो देख ही लिया कि पूरे वर्ल्ड में ही ऑप्टिकल फाइबर ही बिछा के एक दूसरे को जोड़ा गया है सारे जगह में, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर इज द जो आएगा उसमें दो फायदे होंगे, एक तो स्पीड बढ़ेगा, दूसरा
एक ही फाइबर के अंदर हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर एंड और आपकी दूसरी चीजें सॉफ्टवेयर बेस्ड जो आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे कि आप अभी मैं वीडियो में भी बता रहा था कि वाईफाई में आप हॉटस्पॉट बना के कनेक्ट हो जाते तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन सिग्नल के माध्यम से आप एक साथ अपने मोबाइल से 3-4 लोगों को जोड़ सकते हो, 5 लोगों को जोड़ सकते हो। आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा, मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तो कम से कम आप दोनों लोगों के लिए तो कराना ही है, ठीक है, तो आप दोनों लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे हम उसको स्प्लिट करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ठीक है ना। तो उसमें एक ही सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अभी सर्किट स्विचिंग, अब आप पैकेट स्विचिंग में चले जाओ, कहने का मतलब ये है। एनी मोर क्वेश्चन? खुशी खुशी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आज आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? ये आपके लिए भी जरूरी है, शुरू के 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कॉमन रखता हूं मैं, ठीक है ना। ये नहीं केवल इनके लिए, ये आपके लिए भी, आप भी कोई भी आता तो उनको भी जरूर बताता हूँ। भाई आप टेली कम्युनिकेशन में पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझो और फिर हम लोग कैसे ट्रेनिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में बात करें। आज मैं आपको सिनॉपसिस दे दूंगा शाम को, ठीक है ना। आप तीनों लोग अपना ईमेल आईडी जरूर भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप अलग बनेगा ना, सेम बनेगा? नहीं, आपका अलग बनेगा, आपका तो ट्रेनिंग अलग होगी ना, दोनों की ट्रेनिंग अलग हो जाएगी। एक लेक्चर और करूंगा उसके बाद अलग हो जाएगी, उनका अलग है, उनका अलग है। आप दोनों की जो ट्रेनिंग है आपका टेक्निकल है, तो आप दोनों का जो होगा जब मैं सॉफ्टवेयर बेस के प्रैक्टिकल शुरू करूंगा ना, तब हम लोग वो करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब तक पहले पढ़ नहीं लेंगे आप नहीं बना सकते, सीधा सा बात है, ठीक है ना। उसी जी का केस में क्या है कि उनको सिनॉपसिस दूंगा उनका, अगर वो कुछ पढ़ना है उनको तो पढ़ने वाले टॉपिक में लेक्चर अरेंज करूंगा, अलग होगा उनका, उनका प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी टाइप का है, लेकिन उनका एक प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट बनाना, बीबीए का है ना स्टूडेंट प्रोग्राम का अलग टाइप का होगा वो, ठीक है। जो बेसिक जानकारी है कि ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो पहले उसको जानो और समझो। अब आपको कम से कम ये बात समझ में आ गई होगी कि बीएसएनएल कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ अपने, वो बात अलग है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं भाई ये इधर वाले को उधर रखो, उधर वाले को उधर रखो, तो फिर उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते।